रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। एक सवाल है जो कि बीएसएन जेनेरिक और पोस्ट आरएन के लिए ये सवाल आया था लास्ट पास पेपर में। व्हाट डू यू नो अबाउट द नॉर्म्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग विद रेफरेंस टू कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आज हम इस सवाल को, क्वेश्चन के आंसर को कवर करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम समझ लें, एक तो इसमें, इस सवाल में यानी पब्लिक स्पीकिंग, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग में नॉर्म्स हैं रिलीजन, लैंग्वेज, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बिजनेस कम्युनिकेशन के तमाम एरियाज को इसमें कवर किया गया है कि एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग किस तरह की जा सकती है। नॉर्म्स का मतलब होता है वैल्यू, सेट ऑफ रूल्स ऑफ अ सोसाइटी, जिसके मुताबिक कोई सोसाइटी एक पर्टिकुलर बिहेवियर में कम्युनिकेट करती है, रहन सहन, जिंदगी गुजारना, चलना फिरना, उठना बैठना, ओढ़ना बिछोना। अगर आप एज अ स्पीकर ये जानते हैं जिस सोसाइटी के लोगों के साथ पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, उनके नॉर्म्स जानते हैं, तो आप उनके रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं। तो आज हम इसी सवाल को कवर करेंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग नॉर्म्स कैन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कल्चर, यानी कि कल्चर टू कल्चर ये वेरी करती है पब्लिक स्पीकिंग, यानी उसमें आ जाता है रिलीजन्स, लैंग्वेजेस एंड रीजन्स एरियाज। अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्टिंग दीज नॉर्म्स इज क्रूशल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बिल्डिंग रैपो विथ डाइवर्स ऑडियंस। यानी लोगों के, सोसाइटीज के कल्चर को समझना, उनके नॉर्म्स को समझना इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जरूरी है, उनके दरमियान रैपो बिल्ड करने के लिए। डाइवर्स ऑडियंस को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आप उसको स्टडी करें, तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर आप बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो सवाल में पूछा गया था, रिलीजन है, कल्चर है, ये तमाम चीज़ें, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वन बाय वन। बॉडी लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर्स हैव वेरिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग बॉडी लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, इन सम कल्चर्स मेंटेनिंग डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट इज अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑनेस्टी, वाइल इन अदर्स इट मे बी कंसिडर्ड इम्पोलाइट और कन्फ्रंटेशनल। बॉडी लैंग्वेज से अगर आप देखें, ये जो आई कॉन्टैक्ट है, कुछ कल्चर्स में जो है कॉन्फिडेंस की अलामत है, कुछ कल्चर में जो है इसको टैबू समझा जाता है, या कि इम्पोलाइट है, बदतमीजी में आता है, या कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन में आता है कि सामना कर रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं किसी को। तो एक चीज किसी कल्चर में पॉजिटिव हो सकती है, दूसरे में नेगेटिव हो सकती है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। जेस्टर्स, जेस्टर्स यानी हाथों की मूवमेंट हो गई आपकी, हैंड जेस्टर्स कैन हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट कल्चर्स। व्हाट माइट बी अ पॉजिटिव जेस्टर इन वन कल्चर कुड बी ऑफेंसिव इन अनदर। यानी जो हाथों की जो मूवमेंट है, जो बॉडी जेस्चर पोस्चर है आपके, वो उनकी डिफरेंट मीनिंग्स होती हैं डिफरेंट कल्चर में, और एक कल्चर में पॉजिटिव है तो दूसरे में वो ऑफेंसिव हो सकता है। फिर है पर्सनल स्पेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनल स्पेस एंड फिजिकल प्रॉक्सिमिटी वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। इन सम कल्चर्स पीपल आर कंफर्टेबल विद क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस, वाइल इन अदर्स मेंटेनिंग सम डिस्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। यानी यहाँ पर यह है कि पर्सनल स्पेस से मुराद के कुछ कल्चर में लोग जो है वो फिजिकल कांटेक्ट काफी करीब होके कंफर्टेबल महसूस करते हैं एक दूसरे से बातचीत करने में, कुछ में डिस्टेंस होता है, फासला होता है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट टीचर में ये पर्सनल स्पेस है, यानी उसमें डिफरेंस है। पेरेंट्स चिल्ड्रन में भी पर्सनल स्पेस होती है, इसको प्रॉक्सिमिटी कहते हैं। आप अगर फ्रेंड्स के साथ, कुलीग से बातचीत कर रहे हैं, तो वो कुछ और प्रॉक्सिमिटी है, ज्यादा क्लोजर है आप उनके साथ, तो दिस इज कॉल्ड पर्सनल स्पेस या फिर प्रॉक्सिमिटी। फिर उसके बाद आ जाता है रिलीजन। यानी आप जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आपने जिस तरह कल्चर का ख्याल रखना है, रिलीजन का, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने इन चीजों का ख्याल रखना है। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस बिलीफ्स, यानी हमें रिस्पेक्ट करनी है रिलीजियस बिलीफ्स की लोगों की। पब्लिक स्पीकर्स शुड बी सेंसिटिव टू द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ दियर ऑडियंस, अवॉइडिंग ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स अबाउट रिलीजियस फिगर्स और प्रैक्टिसेस इज इसेंशियल। यानी पब्लिक स्पीकर्स जो हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं रिलीजियस बिलीफ्स के हवाले से अपनी ऑडियंस के,
और वो अवॉइड करते हैं ऐसे ऑफेंसिव और डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स और कमेंट्स को जो उनको हर्ट करे, उनकी ऑडियंस को। फिर कल्चरल टैबूज हैं, यानी ममनू चीजें कह लें आप टैबूज में। मैनी रिलीजियस कल्चर्स हैव स्पेसिफिक टैबूज एंड प्रैक्टिसेस दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। हर कल्चर में जो है वो स्पेसिफिक टैबूज हैं। जैसे मैंने अभी अर्लियर बताया कि कुछ चीजें पॉजिटिव है आपके कल्चर में, उनके नेगेटिव है दूसरे के, पॉजिटिव है आपके नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इन मोस्ट ऑफ द कल्चर्स इट इज इनअप्रोप्रिएट टू यूज द लेफ्ट हैंड फॉर ग्रीटिंग और ईटिंग। ज्यादातर कल्चर में अगर आप देखें दुनिया के, तो ये इनअप्रोप्रिएट है। क्या चीज इनअप्रोप्रिएट है कि लेफ्ट हैंड ग्रीटिंग के लिए, सलाम दुआ के लिए, या हाथ से खाना खाने के लिए लेफ्ट हैंड को यूज किया जाए। ज्यादातर जो रिलीजन है उसमें राइट हैंड जो है वो यूज करते हैं ईटिंग के लिए या फिर ग्रीटिंग के लिए। उसके बाद है लैंग्वेज। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंश्योर दैट यू आर अ प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज यू आर स्पीकिंग इन। मिस प्रोनाउंसिएशंस और ग्रामेटिकल एरर्स कैन अंडरमाइन योर क्रेडिबिलिटी। यानी आप इस चीज को इंश्योर कर लीजिए कि आपको प्रोफिशिएंट होना है। अगर आप इंग्लिश में अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट होना है उसमें। मिस प्रोनाउंसिएशन या फिर ग्रामेटिकल एरर जो है वो अंडरमाइन करेंगे आपकी क्रेडिबिलिटी को। फिर उसके बाद है ट्रांसलेशन। इफ स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज डिफरेंट फ्रॉम योर ऑडियंस प्राइमरी लैंग्वेज प्रोवाइड ट्रांसलेशन और इंटरप्रेटर्स एज नीडेड टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में और ऑडियंस की लैंग्वेज कुछ और है, तो आपको जरूरत है कि एक इंटरप्रेटर भी रखे जो आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। फिर है इडियम्स एंड ह्यूमर। बी कॉशियस विद इडियमेटिक एक्सप्रेशंस एंड ह्यूमर एज दे मे नॉट ट्रांसलेट वेल एंड कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स। यानी अगर आप इसमें एक्सपर्टीज नहीं रखते, जो लोग एक्सपर्ट है इडियम्स में ह्यूमर में, तो उनके लिए तो ठीक है। जो नए लोग हैं इडियम्स को मुहावरों को जानते नहीं, ह्यूमर को यूज करना नहीं जानते, तो वो ऑफेंसिव भी हो सकता है। तो आपको चाहिए इससे अवॉइड करें, सिंपल एंड कॉमन लैंग्वेज में कम्युनिकेट करें एज अ पब्लिक स्पीकर या एज अ स्टार्टर। वर्बल कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन की दो टाइप्स हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टोन एंड पिच। द टोन एंड पिच ऑफ योर वॉइस कैन कन्वे डिफरेंट इमोशंस एंड इंटेंशंस। बी माइंडफुल ऑफ हाउ दीज आर परसीव इन योर ऑडियंस कल्चर। यानी आपने जो है ये जो आपका जो टोन है और जो पिच है, ये कन्वे करता है डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट फीलिंग्स को। अगर आप कोई खुशी की बात कर रहे हैं तो आपको एक्साइटेड होना है फेशियल एक्सप्रेशन के साथ भी, और गम की बात कर रहे हैं तो गमगीन एक्सप्रेशन भी होने चाहिए चेहरे के ऊपर। तो आपकी उसमें टोन और पिच चेंज होती है और वो कन्वे करती है डिफरेंट मैसेजेस। स्पीड ऑफ स्पीच। स्पीकिंग टू फास्ट और टू स्लो कैन अफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन। एडजस्ट योर पेस टू इंश्योर योर ऑडियंस कैन फॉलो अलोंग कंफर्टेबली। यानी आपकी जो स्पीच है, जो स्पीच की स्पीड है, ना ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो। ऐसा ना लगे कि आप मशीन चल रही है, ऐसे लगे बीच में आपने ब्रीदिंग करनी है, कूल रहना है, ठीक है, पॉजेज लेने हैं आपने अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान और प्रेजेंटेशन के दौरान। यूज ऑफ फॉर्मेलिटी। सम कल्चर्स प्रेफर अ फॉर्मल स्टाइल ऑफ स्पीच वाइल अदर्स में अप्रिशिएट अ मोर कैजुअल अप्रोच। रिसर्च एंड अडेप्ट योर स्पीकिंग स्टाइल अकॉर्डिंगली। यानी कुछ कल्चर्स में जो है वो फॉर्मल स्टाइल को पसंद करते हैं स्पीच के, कि आप अटायर हैं, ड्रेसिंग में है और सिर्फ रोस्टम के आगे स्पीच कर रहे हैं। कुछ जो है वो कैजुअल अंदाज को पसंद करते हैं, जो पब्लिक में घुल मिल जाते हैं, टहलते हैं आगे पीछे स्टेज पे। तो आप उस पर रिसर्च करें कि कौन सा पब्लिक स्पीकिंग स्टाइल जो है वो सूट करेगा अकॉर्डिंगली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन कन्वे इमोशंस एंड दीज कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली इन वेरियस कल्चर्स। मुख्तलिफ कल्चर में मुख्तलिफ मीनिंग्स देते हैं आपके जो चेहरे के एक्सप्रेशन है। यानी जो आपका आई कॉन्टेक्ट है वो भी एक मीनिंग देता है, एक एक्सप्रेशन देता है। जो चेहरे की स्माइल है वो भी एक मीनिंग दे रही है।
पोस्चर एंड जेस्चर्स, यानी कि बॉडी जेस्चर पोस्चर, योर पोस्चर एंड जेस्चर शुड अलाइन विद कल्चर नॉर्म्स, कल्चरल नॉर्म्स, यानी जो आपके बॉडी जेस्चर पोस्चर ये तमाम चीजें अलाइन होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए कल्चरल नॉर्म्स के रूल्स के, सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, स्लोचिंग माइट बी सीन एज डिसरिस्पेक्टफुल इन सम कल्चर्स, के झुक जाना किसी कल्चर में जो है वो डिसरिस्पेक्टफुल है। अटायर, अटायर का मतलब है लिबास, ड्रेस। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जब आप स्पीच दे रहे हैं, तो उसके मुताबिक आप ड्रेसिंग करें। ड्रेस कोड एक्सपेक्टेशंस कैन वेरी वाइडली, ड्रेसिंग अप्रोप्रिएटली फॉर द ओकेजन एंड कल्चर इज इम्पोर्टेंट, यानी उस कल्चर, उस सोसाइटी, उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक अपनी ड्रेसिंग करें। अब कंक्लूजन करते हैं, नेविगेट का मतलब यहाँ पर आप ये कह लीजिए कि पूरा समझना, उसको स्टडी करना कि पब्लिक स्पीकिंग, यानी जो नॉर्म्स ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग को किस तरह से आप कर सकते हैं। टू नेविगेट दीज नॉर्म्स इफेक्टिवली, इट इज इसेंशियल टू डू योर होमवर्क एंड रिसर्च द कल्चरल एंड कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ योर ऑडियंस, यानी कि आपको जरूरत है उस पर होमवर्क करने की कि अपनी ऑडियंस के कल्चरल कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट को समझिए। वेन इन डाउट इट इज ऑफन बेस्ट हेल्प ऑन द साइड ऑफ क्वेश्चन एंड शो रिस्पेक्ट फॉर द डाइवर्सिटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ योर ऑडियंस। जब डाउट में हो तो आप एरर शो कर सकते हैं, सॉरी कह सकते हैं, ताकि वो आप सेंसिटिव रहें डाइवर्सिटी ऑफ योर ऑडियंस के हिसाब से। अडेप्टिंग योर कम्युनिकेशन स्टाइल टू अलाइन विद द कल्चरल नॉर्म्स ऑफ योर ऑडियंस कैन हेल्प यू कनेक्ट मोर इफेक्टिवली एंड अवॉइड अनइंटेंशनल मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑफेंस। अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे कल्चरल नॉर्म्स को, रिलीजियस बिलीफ्स को किसी भी सोसाइटी के, तो एक आप अच्छे तरीके से एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अनइंटेंशनल और मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑफेंस से बच सकते हैं। थैंक यू।